मैं निधि आपका अपने चैनल नई सेफ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सेफ के दोस्तों, नई रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आज, ब्रेड पोहा। ब्रेड किसको नहीं पसंद आता है, इससे हम बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज हम ब्रेड पोहा बनाना। ब्रेड पोहा बनाने के लिए हम यहाँ पे 6 ब्रेड लिए हैं। हम यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। मसालों में हम यहाँ पे 1 चम्मच छोटी राई लिए हैं, 1/2 चम्मच हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिए हैं, 1/2 कप के लगभग हमारे पास कच्चा मूंगफली है जिसे हमें अभी फ्राई करना है, 1/2 चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर लिए हैं, 1/2 चम्मच हम यहाँ पे नमक लिए हैं और 1 पैकेट हम यहाँ पे मैगी मसाला लिए हैं। तो गरम मसाले में दोस्तों हम मैगी मसाला का ही यूज करेंगे यहाँ पे। सब्जियों में हम यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, तो आपको कड़ी पत्ते थोड़े से बड़े दिख रहे होंगे। 2 प्याज का छोटे साइज का जिसे इस तरीके से हम काट लिए हैं, 2 टमाटर है जिसे इस तरीके से हम काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च है जिसे खड़े में लिए हैं और 1 मिर्च है जिसे छोटे छोटे में हम काट लिए हैं। सबसे पहले ब्रेड को हम छोटे छोटे में तोड़ लेंगे, तो इस तरीके से हमें ब्रेड को तोड़ लेना है। हम इसके साइड का पार्ट नहीं हटा रहे हैं, हम इसके पार्ट के साथ ही इसे तोड़ेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम ब्रेड को तोड़ लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ब्रेड काफी अच्छे से टूटे हैं। अब चलिए हम पोहा बनाते हैं। तो यहाँ एक पैन में हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे ताकि मूंगफली को हम अच्छे से भून सके। जब घी अच्छे से पिघल जाएगा तो इसमें हम मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को डालने के बाद दोस्तों करीब हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि मूंगफली जो है 5 मिनट में अच्छे से भून जाएगा। करीब 5 मिनट तक हो चुके हैं और मूंगफली जो है अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हो कुछ कुछ मूंगफली के आपको छिलके हटे दिख रहे होंगे, तब इसे हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यहाँ पे यूज किए हैं। उसमें हम सबसे पहले राई डालेंगे, 2 हरी मिर्च जो कि खड़े में थे और 1 मिर्च जो छोटे छोटे में कटे हुए थे, तब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ता के साथ ही दोस्तों इसमें प्याज डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। प्याज को डालने के बाद इसे करीब हमें 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखे हैं, तब इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तब देख सकते हो प्याज जो अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो हम एक एक करके सारे मसाले जो थे उसमें डाल देंगे, बट हम यहाँ पे अभी मैगी मसाला तो नहीं डालेंगे, तो उसका यूज हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीज़ों को डाल दिए हैं, अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मसालों को डालने के बाद दोस्तों करीब इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अभी आप देख सकते हो मसाले जो है अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को डालने के बाद दोस्तों इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब टमाटर जो है अच्छी तरीके से मिल गया है दोस्तों, तो अब इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। तभी टमाटर जो कच्चे हैं दोस्तों, इसे हमें अच्छी तरीके से सॉफ्ट करना है, तो अब इसे हम ढक देंगे और इसे ढककर पकने देंगे। करीब 2 मिनट बाद हम इसे हटाएंगे ढक्कन को और देखेंगे कि टमाटर जो है अच्छी तरीके से पक गए हैं और अच्छी तरीके से गल गए हैं और मसाले भी काफ़ी अच्छी तरीके से भून गए हैं। तब इसमें हम मूंगफली डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मूंगफली दोस्तों ऑलरेडी रोस्ट है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें हम टूटे हुए ब्रेड को डालेंगे जो कि इस तरीके से हम छोटे छोटे में तोड़ लिए थे, तब इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। ब्रेड को डालने के बाद दोस्तों जब ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा, तो इसे हमें करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि ब्रेड भी थोड़ा क्रंची हो सके। तभी आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से मिल गया और अच्छी तरीके से भून भी गया है। तब हमारा पोहा जो है दोस्तों बनकर तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे किशमिश वगैरह भी डाल सकते हो। तब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हमारा पोहा जो है बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गर्मा गर्म पोहे को दोस्तों हम सर्व कर रहे हैं, तो इसे आप सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में बना सकते हो। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसको बहुत ही कम चीज़ों से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी ये आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।